राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए जाने वाले चंदे को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम भी अब इस मामले को उठा रही हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की है, लेकिन कुछ ही दिन पहले ट्रस्ट ने 12,080 वर्ग मीटर जमीन खरीदी, जिसे 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है, जिसके सारे पेपर उनके पास है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 5 लोगों ने 5 मिनट के अंदर अंदर 115 करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है। कहा कि उनका दिल कह रहा था कि ये पेपर झूठा निकले। श्री राम के नाम पर इतना बड़ा विश्वासघात राम जन्मभूमि ट्रस्ट नहीं कर सकता। लेकिन तब दुख हुआ जब ट्रस्ट ने विज्ञप्ति जारी करके बेशर्मी से कहा कि हाँ, उन्होंने ट्रांजेक्शन की है। सिसोदिया ने कहा कि ये जमीन सिर्फ 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। इसके 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से यही जमीन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। लोग बहुत शिद्दत के साथ, आस्था के साथ, भक्ति के साथ इसमें चंदा दे रहे हैं। लोग 100 रुपए भी दे रहे हैं और 1 करोड़ रुपए भी दे रहे हैं, जिसकी जिसकी जितनी हैसियत है। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदिए। यकीन मानिए कि मैं मान रहा था कि ये पेपर झूठे निकलने चाहिए, मेरे दिल से आवाज आ रही थी। लेकिन उससे ज्यादा दुख तब हुआ जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि हाँ, हमने ये ट्रांजेक्शन किया है, और बहुत बेशर्मी से किया कि हाँ, जमीन महंगी हो गई है, महंगे नाम पर खरीदेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। एक आदमी दूसरे आदमी को दे रहा है अपने पैसे से, जब ट्रांजेक्शन कर रहा है तो वो 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन है। जब वो चंदे के पैसे से ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 18.5 करोड़ रुपए की जमीन है। मेरा दिल कह रहा था कि ये पेपर झूठे हो, ये पेपर झूठे निकले। मैं भी भगवान राम में आस्था रखता हूँ, भगवान राम के नाम पर इतना बड़ा विश्वासघात राम जन्मभूमि ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं ये मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि ये पेपर झूठे निकले, लेकिन जिस बेशर्मी से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने स्वीकार किया है कि ये पेपर सच्चे हैं, बहुत दुख हो रहा है इस बात को देखकर। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब राम मंदिर के लिए जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई थी, तब भी गवाही ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने दी, और जब वही जमीन 15 मिनट बाद 18.5 करोड़ में खरीदी गई, तब भी गवाही ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा और अयोध्या मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने। इससे बहुत दुख हो रहा है, लोग आस्था से चंदा दे रहे हैं, उनसे खिलवाड़ ठीक नहीं।